हेलो फ्रेंड, इंडियन फूड विद प्रिया में मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ उगानी रेसिपी, जो एक साउथ इंडियन रेसिपी है। उगानी रेसिपी बनाने के लिए मैंने लिया है ये पफ्ड राइस, इसको कुरमुरा या मुरमुरा भी बोलते हैं। हरी मिर्च लिया है मैंने, एक हरी मिर्च लिया है, आप अगर ज्यादा तीखा खाते हैं तो और ले सकते हैं। कटा हुआ अदरक, नींबू, कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ प्याज है, एक कटा हुआ टमाटर, तेल, उड़द दाल, चना दाल, भुनी हुई मूंगफली, सरसों के दाने, नमक स्वाद के अनुसार, जीरा, हल्दी पाउडर और हींग। उगानी रेसिपी की जो मेन सामग्री वो कुरमुरा है, तो सबसे पहले हम इसे पानी से भिगाएंगे। पानी में भिगाकर नहीं रखना है, सिर्फ हमें तुरंत इसमें पानी डालना है। और इसको थोड़ा गीला करना है। और पानी को हमको क्या करना है, गिरा देना है। बस इस तरीके से गीला करके हम इसे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से पानी डालकर मैंने पानी निकाल के इसका छान लिया है। और हम इसे साइड में रखकर हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब गैस पर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर हम एक चम्मच राई के दाने डाल देंगे। राई हमारी चटकने लगी है, अब तेल के अंदर हम एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसके अंदर हम एक छोटा चम्मच चना दाल डाल देंगे, एक छोटा चम्मच उड़द दाल, पहले ही इन सभी चीजों को अच्छे से पका लेंगे। हल्का ब्राउन होने तक दाल को हमें पकाना है। हमारी दाल पक गई है, मैंने उसमें प्याज डाल दिया है। अब इसके अंदर हम कटे हुए टमाटर डाल देंगे। हरी मिर्च, अदरक, सभी को अच्छे से पहले पका लेंगे। प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा हल्दी डाल देंगे, पिंच भर हींग, स्वाद के अनुसार नमक, मूंगफली दाना, ये भुनी हुई मूंगफली है, अब सभी को मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डाल देंगे। मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जो कुरमुरा मैंने भिगो कर छान लिया था पानी से, उसको मिक्स कर देंगे। से मिला लीजिए इसको। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है, ये देखिए कितनी अच्छी रेसिपी दिख रही है। और ये एक नाश्ते की रेसिपी है, आप इसे सुबह नाश्ते में या शाम के नाश्ते में कभी भी बना सकते हैं। और बहुत जल्दी से ये बन भी जाता है। गैस को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी की मेन टिप्स ये है कि जब भी आप मुरमुरे को पानी में डालें तो पानी में डालकर ना रखें, तुरंत पानी डाल के इसको छान लें और छान के तभी से अलग कर लें, क्योंकि आप ज़्यादा देर पानी में रखेंगे तो वो पूरा भीग कर नरम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी उगानी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। इस रेसिपी को आप बच्चों को टिफिन में बनाकर भी दे सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसे आप नाश्ते में भी बना के खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।